हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं सॉलिड स्टेट का कुछ देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें हम आयनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे कुछ। जैसे देखो, ए बी टाइप के आयनिक कंपाउंड, इसमें मैं आपको कोऑर्डिनेशन नंबर, फॉर्मूला पर यूनिट सेल, साथ ही साथ सभी कैटायन और एनायन की पोजिशन के बारे में बताऊंगा, ए बी टाइप। दूसरा ए बी टू टाइप के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट जो हम बात करेंगे दैट इज ए टू बी टाइप, जिन्हें फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। इन सभी कंपाउंड से कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आ जाता है इनडायरेक्टली। कहने का मतलब हुआ, ये आपको जब तक इनकी पोजीशंस का नहीं पता होगा या ये कैटायन एनायंस की लोकेशंस कैसे होती है, तब तक उसका आइडिया नहीं होगा। तो आइए एक एक करके और वन बाय वन आपको समझाते हैं और समझते हैं, ठीक। हाँ तो बच्चों देखो, स्टार्ट करते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, रॉक सॉल्ट भी कहा जाता है इसे। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये, मान लीजिए कि सबसे आसान टॉपिक में से एक है। सबसे पहले देखा जाए कि ये आपका कंपाउंड दो आयन से बना है, क्लोराइड और सोडियम आयन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दोनों में जो बड़े साइज का आयन होता है, जनरली बड़े साइज का आयन लैटिस क्रिएट करता है, यानी लैटिस फॉर्म करता है। तो जो आपके क्लोराइड आयन्स हैं ये लैटिस बनाते हैं, एक ढांचा, एक अरेंजमेंट तैयार करते हैं, और उस अरेंजमेंट में बने वॉइड्स को कौन ऑक्यूपाई करता है ये जरा चेक करते हैं। Cl- कहां पे प्रेजेंट होता है, ठीक। तो इट फॉर्म CCP लैटिस, क्या बनाता है, क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाता है। डायरेक्टली अगर बताया जाए कि ये सोडियम आयन कहां होते हैं, तो भाई सोडियम आयन कहां प्रेजेंट होते हैं, ऑक्यूपाई ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। बहुत ही सिंपल सी चीज। स्टार्ट करते हैं कि क्लोराइड आयन कहां पे, मतलब क्लोराइड आयन कौन सा लैटिस बनाते हैं, सीसीपी, क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और जबकि सोडियम आयन कहां प्रेजेंट होते हैं, ये सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं। लॉजिकली अगर एक और चीज आपको मैं बताऊं, तो सीसीपी के अरेंजमेंट को आप कैसे दिखा सकते हैं, स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से समझे। सब भी यही खेल है भाई, कि अगर आप सॉलिड स्टेट पढ़ते हो तो आइडिया बस ये लगना चाहिए कि लोकेशंस कैसी हैं, चाहे वो वॉइड की लोकेशन हो, चाहे वो आयंस की लोकेशन हो, स्फेयर्स की लोकेशन हो, या किसी भी टाइप के पर्टिकुलर पार्ट की लोकेशन हो। सो क्यूबिक अरेंजमेंट है, लेकिन क्यूबिक क्लोज पैकिंग में क्या होता है कि पोजिशंस कहां कहां होती है। आपको याद है, अगर मैं ये क्लोराइड को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, 1 2 3 4, चार कॉर्नर पे ऊपर, चार कॉर्नर पे नीचे, क्योंकि क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर अगर आपको याद नहीं हो तो मैं लिख सकता हूं ऑल कॉर्नर्स प्लस एट ऑल फेस सेंटर, ये होता है आपका क्यूबिक क्लोज। या फिर आपको याद होगा FCC भी तो कहते हैं इसे, है ना। तो सभी कॉर्नर और सभी फेस सेंटर किसने घेरे हुए हैं, क्लोराइड ने। तो ये मैंने अभी कॉर्नर पे बनाए, अब हम क्या करते हैं फेस सेंटर पे दिखाते हैं। So, ये रहा एक क्लोराइड, यहां पे क्लोराइड, ये वाला क्लोराइड, ये पीछे वाले का फेस का क्लोराइड, और ये आगे वाले फेस का क्लोराइड। सो सपोज क्लोराइड रिप्रेजेंटिंग बाय दिस सिंपल, ये गोले के तरीके से हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अब बात करते हैं कि सोडियम कहां पे है, सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो अब आपने अगर वो वॉइड की पोजिशन वाली वीडियो देखी है तो उसमें पता होगा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पे लोकेटेड होता है। तो मैं आपको बताऊं, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बॉडी सेंटर पे होता है, बाकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां होते हैं, एज सेंटर पे। कहां होते हैं, एज सेंटर पे, एक बॉडी सेंटर पे बिल्कुल बीचों बीच बनेगा, और एक कहां, एज सेंटर पे। तो हम लोग क्या करते हैं, सोडियम आयंस की लोकेशन दिखाने के लिए, सोडियम आयंस की लोकेशन को दिखाने के लिए हम ये ब्लू मार्कर यूज कर लेते हैं, और इसको मैं इस तरीके से दिखा दूंगा, ठीक, ताकि आप बहुत अच्छे से पैटर्न समझ पाए। तो देखो, ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की पोजीशन मैंने बता दी, बॉडी सेंटर पे होती है और एज सेंटर पे। तो देखो बॉडी सेंटर कहां होगा, बिल्कुल यहां पे बीच में होगा, ये होगा यहां पे। तो एक सोडियम कहां पे हुआ, ये बॉडी सेंटर पे, ठीक। अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपको मैं शो करूं इसमें तो बेटर रहेगा, आपको और अच्छा लगेगा समझने में। ये देखो, ये बॉडी सेंटर वाला ऑक्टाहेड्रल है, ये देखो फेस सेंटर, ऊपर वाले फेस सेंटर से जोड़ दो, और ये आपका नीचे भी एक एटम आएगा यहां पे, ठीक है, सभी 1 2 3 4 5 6, ठीक, सभी फेस सेंटर पे एक एक क्लोराइड आपका
होना चाहिए, तो वो बीच नीचे वाला मैंने नहीं लिखा था, अब लिख दिया, ठीक है। सो ड्रॉ कर दिया। अब आप देख सकते हैं ये बॉडी सेंटर पे कौन प्रेजेंट है, सोडियम एक, लेकिन बाकी के सोडियम बचे हुए एज सेंटर पे होंगे, एज सेंटर। तो देखो ये रही आपकी एज, तो एज का सेंटर देखो 12 एज सेंटर होते हैं, 12 के 12 पे आपको लगाना होगा। ये रहा एक आपका सोडियम, ठीक। पहले मैं ये जो वर्टिकली प्रेजेंट है इन पे लगा देता हूं, यहां पे होगा इस वाले पे, ये रहा एक इस वाले पे, ये चारों पे हो गया। ऐसे ऊपर वाले चारों पे दिखा दो फटाफट फटाफट, ये एक, ये रहा, ये यहां पे। अब ये नीचे वाले पे दिखा रहा हूं मैं, डन। तो मैं एक स्ट्रक्चर आपको बहुत ही आराम से समझा देता हूं, फिर बची हुई फटाफट फटाफट इसके बेसिस पे सीख लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने पोजीशन दिखाई, तो इस पोजीशन में देखा जाए तो सबसे पहले सोडियम, नंबर ऑफ सोडियम आयंस कितने हैं पर यूनिट सेल। तो देखो नंबर ऑफ सोडियम आयंस, तो एक तो आपको नजर आ रहा होगा बिल्कुल बॉडी सेंटर पे, सो वन इज एट बॉडी सेंटर, और बाकी के कहां पे हैं, एज सेंटर। तो एज सेंटर का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है हमारे यूनिट सेल में, 1/4 होता है, याद है, कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द एज इनटू 12। सो टोटल आपके ये कितने हो जाएंगे, 1+3, इट इज 4 इन नंबर। इन सिमिलर वे अगर हम क्लोराइड आयंस निकाले पर यूनिट सेल, तो आप जरा देखो क्लोराइड आयंस पर यूनिट सेल कितने होंगे, कहां कहां है क्लोराइड आयन, ऑल कॉर्नर्स। तो कॉर्नर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन, एक कॉर्नर का कितना होता है, 1/8, 8 कॉर्नर पे है क्लोराइड, देखो प्लस। और फेस सेंटर, भाई एक फेस सेंटर जो आपका ये फेस पे प्रेजेंट है, तो कितने में कॉन्ट्रीब्यूशन होता, 2 यूनिट सेल में। तो इस हिसाब से कितने फेस सेंटर पे है आपके क्लोराइड, बिल्कुल 6 पे है, काउंट कर लें। और ये आपका बिल्कुल जैसे आप पहले नंबर ऑफ एटम्स निकालते थे वैसे ही निकालेंगे। तो देखो सोडियम आयंस की संख्या 4, यानी इस यूनिट सेल में सोडियम की संख्या 4, क्लोराइड की संख्या भी 4। तो इस हिसाब से मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ फॉर्मूला, ध्यान से देखिए बेटा, फॉर्मूला यूनिट्स कितनी होंगी, 4 होंगी, 4 NaCl। ये मैं 4 NaCl क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इस पूरे सिस्टम में, यानी कि इस पूरे क्यूबिक यूनिट सेल में 4 सोडियम आयन आ रहे हैं हिस्से में और 4 क्लोराइड आयन आ रहे हैं। सो टोटल जो है आपका एक सोडियम को एक क्लोराइड चाहिए होता है, तो 4 सोडियम को 4 क्लोराइड ही तो मिलेगा भाई, 8 मत कर देना, ये सिंपल ऐड नहीं होगा ना, ठीक है। तो एक सोडियम से एक क्लोराइड जुड़ के NaCl बनाता, तो 4 से 4 जुड़ेंगे तो 4 NaCl। तो अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl, तो आप कितने बताओगे पर यूनिट सेल, इट इज यस 4 इन नंबर। तो ये क्या है, पर यूनिट सेल। अब देखते हैं फटाफट इसे नोट करें, अब देखते हैं हम लोग कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो चेक कर लें एक बार, फिर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। चलिए मैं यहां पे ऊपर लिखता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम देते हैं ऑफ सोडियम, देखो सबसे पहले याद कर लेते कि कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है। अगर आप किसी आयनिक कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, किसी आयनिक कंपाउंड के बारे में, तो जो कैटायंस होते हैं इनके नियरेस्ट कितने एनायन हैं, इनके चारों तरफ कितने एनायन हैं, जिनसे बराबर डिस्टेंस से ये घिरा हुआ है, ठीक है। तो कैटायंस का कोऑर्डिनेशन नंबर किस हिसाब से दिया जाता है, नंबर ऑफ एनायंस, नियरेस्ट नंबर ऑफ एनायंस, ठीक है, जो सबसे पास है। और ऐसे ही अगर आप बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायंस की, तो उसके लिए क्या होता है, कैटायन को देखा जाता है। तो जरा देखते हैं कि सोडियम के चारों तरफ, किसी पर्टिकुलर सोडियम आयन के चारों तरफ कितने क्लोराइड है। तो आप इस वाले से यहां से कंसीडर कर लो, उसको समझ में आएगा सीधे। ये सोडियम देखिए नियरेस्ट कितने उससे घिरा हुआ है क्लोराइड से, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6।
तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है भाई, ये वॉइड के अंदर प्रेजेंट है ना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है। तो सोडियम के इर्द गिर्द कितने क्लोराइड होंगे आसपास? बिल्कुल 6 क्लोराइड आयन होंगे, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 6। इन सिमिलर वे सोडियम सॉरी क्लोराइड आयन की अगर बात करते हैं आप, तो क्लोराइड आयन को एक बार चेक करते हैं कि ये कितने सोडियम से घिरा हुआ होगा। अब जरा ध्यान से देखो कितने सोडियम से घिरा हुआ होगा, कोई भी पर्टिकुलर आप क्लोराइड कंफर्म कर लें एक बार, कोई भी क्लोराइड, जैसे सपोज आप ये यहां वाला कंफर्म कर रहे हैं, तो आपको पता है ये आगे यूनिट सेल, इसके साथ में भी एक यूनिट सेल होगी जहां पे सोडियम प्रेजेंट होगा, ठीक है, यहां पे भी मैं सोडियम बनाता हूं, और ये लाइन भी आगे आएगी क्योंकि नेबर भाई ये यूनिट सेल अकेला थोड़ी ना होगा, क्रिस्टल में तो ये बहुत सारी यूनिट सेल से जुड़ा होगा, ठीक। तो जरा देखो यहां पे भी एक सोडियम होगा जो कि इस यूनिट सेल का हिस्सा होगा, आगे वाली यूनिट सेल में यहां पे भी इस वाली एज पे आपका एक सोडियम होगा, ठीक है, और ये ऊपर भी एक यूनिट सेल होगी तो यहां पे भी एक सोडियम होगा। तो आप देख सकते हैं यहां पे कि ये एक अकेला आपका क्लोराइड जो है वो कितने सोडियम से, नियरेस्ट सोडियम 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। हालांकि ये सारे के सारे सेम इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, ऐसा नहीं कि ये नीचे होगा और ये ऊपर वाला पास होगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि सारे के सारे एक ही डिस्टेंस, एक जैसे डिस्टेंस पे होंगे। तो आप देख सकते हैं कि क्लोराइड के चारों तरफ भी हमारे कितने सोडियम है, 6। तो आपको समझ आएगा, दो तीन चीजें पूछते हैं, सबसे पहले पोजिशंस आपको पता होनी चाहिए, दूसरा नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स कितनी बनेगी पर यूनिट सेल वो पता होना चाहिए, तीसरा कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर को ऐसे भी लिखेंगे 6 to 6, मतलब सोडियम टू दैट ऑफ, यानी कि कैटायन टू दैट ऑफ एनायन, जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट इज 6:6। अच्छा एक और चीज यहां पे, एक और अच्छी सी इंफॉर्मेशन देते हैं आपको, वो ये कि आप देख सकते हैं कि अगर मान लो मेरे यूनिट सेल की जो एज लेंथ है, सपोज इट इज ए, भाई क्यूबिक यूनिट सेल की कोई तो कुछ ना कुछ एज लेंथ होगी, ए मान लिया हमने, तो अब जरा देखो तो ये क्लोराइड है ना, ये क्लोराइड, बीच में सोडियम है, ठीक है, यहां पे ये सोडियम है छोटा सा बना दिया है, और ये क्लोराइड है, और इनके सेंटर से लेके ये वाला जो डिस्टेंस है ये आपका क्या है, ए, ठीक, ये हमारा सोडियम है, इसको ऐसे करके हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि हमने ब्लू से दिखाया हुआ, ठीक, तो ये सोडियम है। अब जरा चेक करते हैं इनकी रेडियस के बीच रिलेशन, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कम से कम जो डिस्टेंस है कैटायन और एनायन के बीच वो ये वाला होगा, दैट इज ए बाय टू, ठीक है, हाफ कर देंगे ना इसका, तो ये कैटायन कैटायन एनायन के बीच कम से कम डिस्टेंस है, तो ये कैटायन एनायन के बीच डिस्टेंस को अगर हम रेडियस की फॉर्म में लिखे तो कैसे लिख सकते, देखो एक रेडियस ऑफ दिस, मतलब ये वन रेडियस ऑफ दिस कैटायन, अदर वन ऑफ दिस कैटायन, सो मैं लिख सकता हूं क्या, टू रेडियस ऑफ कैटायन प्लस, यानी कि सॉरी कैटायन नहीं, ये आपका कौन सा बेटा, एनायन होगा, ये क्लोराइड को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो ये एनायन का होगा, और कैटायन का करेंगे तो यहां पे वो भी टू टाइम्स आएगा भाई, क्योंकि एक रेडियस इसकी इधर की कैटायन की, ये पूरा डायमीटर लिया जाए, एंड दिस इज होल पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग ए और इक्वल टू ए, सो इन शॉर्ट यू कैन हैव योर कॉमन पार्ट, आप सीधे यहां से कॉमन ले सकते हैं, और ये आपका देखिए डिस्टेंस अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये देंगे डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन, ठीक है, कैटायन एनायन के बीच का जो डिस्टेंस है उसका टोटल सम किसके बराबर है, ए बाय टू के बराबर। तो ये दो तीन इंफॉर्मेशन है जो आपको जरूर देखनी चाहिए, कलेक्ट करनी चाहिए, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक कर लें और नोट कर लें। हाँ जी बच्चे, तो देखो बात करते हैं सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर की, ये भी ए बी टाइप का है, ठीक है, ये एग्जांपल भी हमारा कौन सा है, ए बी टाइप के कंपाउंड का है, कई बार क्वेश्चन में बताते हैं कि जो टाइप ऑफ कंपाउंड है वो ए बी टाइप है, उसमें फिर पोजीशंस भी क्लेरिफाई करते हैं, वो बताते हैं कि सीजियम क्लोराइड जैसा है या वो रॉक सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड जैसा है। तो देखो यहाँ पे जो क्लोराइड है ये लैटिस क्रिएट करते हैं, ठीक है, क्लोराइड लैटिस क्रिएट करेंगे, और जो आपके सीजियम आयन्स होते हैं, जो आपके सीजियम आयन्स है ये उस लैटिस के अंदर जो बनी स्पेस है जिसे वॉइड कहते हैं वो ऑक्यूपाई करेंगे। तो क्लोराइड के लिए देखो ये आपके प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स। अब जब सिर्फ कॉर्नर पे
क्लोराइड आयन है, तो हम कह सकते हैं किस टाइप का अरेंजमेंट हुआ ये, इसको हम बोल सकते हैं सिंपल क्यूबिक, या एक और नाम से हम जानते थे प्रिमिटिव, प्रिमिटिव। ठीक है, तो क्लोराइड आयन सिर्फ कहां पे मिलेंगे आपको, कॉर्नर्स पे, और जबकि आप इसी अरेंजमेंट में क्या बोल सकते हैं सिंपल क्यूबिक, मतलब क्लोराइड सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट करते हैं। सीजियम आयन्स कहां होंगे, तो सीजियम आयन्स जो है ऑक्यूपाई करते हैं, ऑक्यूपाई द क्यूबिक वॉइड, कौन सा वॉइड, क्यूबिक वॉइड। अब आपको पता है क्यूबिक वॉइड कहां बनता है, बिल्कुल बीचों बीच क्यूब के बनता है, तो उसको मैं यहां पे ये भी लिख सकता हूं ना, क्यूबिक वॉइड के अलावा मैं यहां क्या लिख सकता हूं, एट बॉडी सेंटर। भाई चीज एक ही है लेकिन नाम अलग अलग तरीके से, बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है। तो फटाफट देखो ये मेरा क्यूबिक अरेंजमेंट है, फटाफट देखिए ये क्यूबिक अरेंजमेंट दिख रहा है आपको, इसके सभी कॉर्नर्स पे क्या प्रेजेंट होगा, ये मान लो सीजियम, ये सीजियम, इस तरीके से आपके आठ सीजियम, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, सिंपल आठ क्लोराइड दिखा, सॉरी क्लोराइड सीजियम नहीं, क्या प्रेजेंट होंगे क्लोराइड कहां पे, एट ऑल कॉर्नर्स। सीजियम की लोकेशन कहां होगी, ये होगी, तो सपोज ये मैंने सीजियम दिखाया, ये आपका सीजियम हो गया। अब पोजीशंस के बारे में बात कर ली, अब देखो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ सीजियम क्लोराइड, तो भाई कितने सीजियम क्लोराइड इस एक यूनिट सेल में होंगे, तो बहुत आसान है निकालना, तो उसके लिए देखो नंबर ऑफ क्लोराइड आयन्स कितने हैं, सर कॉर्नर पे है तो कॉर्नर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से वन होगा, इसी तरीके से नंबर ऑफ सीजियम आयन्स कितने होंगे, भाई बॉडी सेंटर पे है तो कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, उसी यूनिट सेल का हिस्सा है तो ये भी वन। तो कहने का मतलब हुआ कि आप एक सीजियम, मतलब एक सीजियम के लिए यहां पे एक ही क्लोराइड है, तो मतलब फॉर्मूला यूनिट कितनी बनेगी, वन सीजियम क्लोराइड पर यूनिट सेल, यानी एक यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में आपका सिर्फ एक सीजियम क्लोराइड का फॉर्मूला यूनिट बनेगा, सिर्फ एक सिंगल। बाकी फॉर्मूले तो आपको निकालने आते हैं सिंपल, कि एक सीजियम और एक क्लोराइड का फॉर्मूला तो कुछ ऐसे ही होगा, ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशियो में है तो ये सीजियम क्लोराइड करके ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो वहां पे मैं लिख देता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इस सीजियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्लोराइड के बेसिस पे बताया जाएगा और क्लोराइड का सीजियम के बेसिस पे बताएंगे, तो जरा चेक करो सीजियम के चारों तरफ देखो कितने क्लोराइड दिख रहे हैं आपको। आप कहेंगे सर आठ नजर आ रहे हैं, बिल्कुल देखिए ये सीजियम है और चार ऊपर और चार इस कॉर्नर पे जो प्रेजेंट है क्लोराइड, यानी आठ। सिमिलर वे अगर मैं देखूं इस चीज को तो हर एक क्लोराइड कितने सीजियम से घिरा हुआ है ये तो नहीं पता लग रहा है। तो देखो भाई जब भी आप कोऑर्डिनेशन नंबर बताते हो तो इस यूनिट सेल के आपको बाहर जाना पड़ेगा, सिर्फ जरूरी नहीं आपको उसी यूनिट सेल में नजर आ जाए सब कुछ। तो सीजियम के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर बताना बहुत आसान था, लेकिन अगर क्लोराइड की बात करें तो सपोज इस क्लोराइड को हाईलाइट करें तो आप खुद समझें कि ये यूनिट सेल पीछे आगे इधर डायगोनली हर तरफ ऊपर किससे घिरी हुई है, दूसरी यूनिट सेल से घिरी है। तो आप जरा चेक करें कि मान लीजिए कि ग्राउंड फ्लोर पे, यानी कि जैसे मैं पहले आपको बताता था इस यूनिट सेल के साथ एक यूनिट सेल होगी बिल्कुल इससे, इस वाले फेस से जुड़ी हुई, ठीक, और चार यूनिट सेल आपको पता है नीचे बन सकते हैं कुछ ऐसे करके, मैं आपको दिखा देता हूं। ये मान लो इसका टॉप व्यू देखने को मिल रहा है, टॉप यहां पे ये क्लोराइड आपको देखने को मिल रहा है, अब ये आप देख सकते हैं चार यूनिट सेल नीचे है और चार यूनिट सेल इनकी कहां होंगी, ऊपर, बिल्कुल ऊपर। कोशिश कीजिए समझने की, मान लीजिए आपके पास ऐसी आठ यूनिट सेल है, चार नीचे रख दी और चार आपने ऊपर रख दी, आपका जो ये कॉर्नर है ना बिल्कुल बीचों बीच में आ जाएगा। तो ये कॉर्नर वाला जो क्लोराइड है, एक यूनिट सेल यहां पे, एक यूनिट सेल इसके पीछे, एक यूनिट सेल इस साइड और एक नीचे, मतलब यहां पे ग्राउंड फ्लोर पे देखा जाए तो चार यूनिट सेल के सीजियम से ये घिरा हुआ है और उसके ऊपर भी तो आपने चार रखी हुई है ना, तो उसके भी हर एक बॉडी सेंटर पे एक एक सीजियम, मतलब इस हिसाब से सर हर एक क्लोराइड जो है आपका वो भी कहीं ना कहीं आठ सीजियम से क्या होगा, घिरा हुआ होगा। तो मतलब देख सकते हैं आप सीजियम के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर आठ और क्लोराइड के लिए भी कोऑर्डिनेशन नंबर आठ ही होगा।
साथ ही साथ अगर मैं एक और इंफॉर्मेशन दूं, आपने नोट कर लिया होगा ये, एक और इंफॉर्मेशन दूं तो वही चीज है, यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं कि सपोज ये आपकी जो यूनिट सेल है वो ए है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये अगर मैं यहाँ पे बॉडी डायगनल डालूं तो आपको पता है बॉडी डायगनल की जो लेंथ होती है वो इस अरेंजमेंट के लिए रूट थ्री ए होगी। ये हमने पहले से वैल्यूज निकाली हुई है, ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे दोबारा से अप्लाई करके निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। अदरवाइज बॉडी डायगनल कितना होता है, रूट थ्री ए होता है। तो फटाफट चेक करें इस बॉडी डायगनल को, क्या हम रेडियस की फॉर्म में लिख सकते हैं कि भाई ये ऐसे करके तो प्रेजेंट होगा। अगर हम एक्चुअल अरेंजमेंट दिखाएं तो ये आपका कॉर्नर का एटम और वो भी आपका कॉर्नर का एटम, और इस तरीके से हमने बॉडी डायगनल डाला, ठीक है, मतलब क्लोराइड है ये आपका क्लोराइड, ये आपका क्लोराइड और यहाँ पे आपका कैटायन की दो रेडियस होगी। तो इस हिसाब से मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ एनायन प्लस ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन इज इक्वल टू रूट थ्री ए, और आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। ये देखो, ये आप जब रेडियस का सम लेते हैं कैटायन और एनायन का तो वो कुछ इतना आता है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर और मतलब सीजियम क्लोराइड के लिए पूछा जाता है, तो नियरेस्ट नेबर मतलब अगर मुझे इनके बीच की दूरी चाहिए सोडियम और क्लोराइड के बीच, तो आप सीधे ही आंसर देंगे रूट थ्री ए बाय टू। चेक कर लें एक बार अच्छे से समझ लें। हाँ बच्चों, तो देखो जिंक सल्फाइड की दो स्ट्रक्चर होती है, जिंक सल्फाइड की दो स्ट्रक्चर होती है जिसमें एक है आपकी जिंक ब्लेंड और एक आपकी कौन सी है वोर्टजाइट स्ट्रक्चर। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जिंक ब्लेंड में जिसे स्फेलराइट स्ट्रक्चर भी कहते हैं, इसे समझते हैं। तो इस केस में सल्फाइड आयंस की पोजीशन क्या होती है, मतलब कहां प्रेजेंट होते हैं, दे फॉर्म सीसीपी लैटिस, वही क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें यह सीधा कह सकते हैं एट ऑल कॉर्नर्स, सभी कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं एज वेल एज एट ऑल फेस सेंटर, ठीक है। सीसीपी जैसे लिखा मिले, यानी कि फेस सेंटर इसी को बोलते हैं, एफसीसी भी बोलते हैं, बार बार आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, सीसीपी और सीसीपी का मतलब है कॉर्नर एज वेल एज एट ऑल फेस सेंटर, डन। जबकि आपका जो जिंक आयंस होते हैं यहाँ पे, ठीक है, जिंक आयंस इनकी लोकेशन कहाँ होती है, तो भाई ये वॉइड ऑक्यूपाई करते हैं, दे ऑक्यूपाई अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ये जानने वाली बात है यहाँ पे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करते हैं लेकिन अल्टरनेट। मान लीजिए कि अगर चार बने हैं तो दो ही ऑक्यूपाई होंगे, अगर आठ बने होंगे तो चार ऑक्यूपाई होंगे, अगर दस बने होंगे तो पांच, ठीक है। तो जरा ये पोजिशंस तो क्लियर हो गई, उसमें भी इसी टाइप का है, कुछ पोजिशंस को क्लियर करें, एक को पहले खत्म करते हैं फिर दूसरे को समझाता हूँ। तो सबसे पहले इस पार्ट में इस चीज को देखते हैं फिर से एक बार डायग्राम के फॉर्म में, देखने से काफी अच्छा आपको समझ आएगा कि प्रॉपर लोकेशन कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्लियर कर दें कि अगर इस जगह पे आप ये, मैं छोटे छोटे यहाँ पे सल्फाइड ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि स्ट्रक्चर इस बार ज्यादा कंफ्यूजिंग ना हो जाए, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड मुझे दिखाने, तो ध्यान से समझिएगा, ये आपके सल्फाइड कॉर्नर वाले फेस सेंटर के, देखिए ये आपके फेस सेंटर के हैं, ये पीछे वाले फेस सेंटर का है और ये आगे वाले फेस सेंटर का है, एक नीचे वाला है, ये फेस सेंटर है, दिखा दिए। आपको शायद याद होगा कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ कहाँ होते हैं, तो भाई टेट्राहेड्रल वॉइड्स की पोजिशन कहाँ होती है, इनकी पोजीशन कहां होती है, एट बॉडी डायगनल, लेकिन बॉडी डायगनल पे दो होते हैं एक नहीं, सो एट वन बॉडी डायगनल टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट, ठीक है। मैंने टेट्राहेड्रल वॉइड की पोजीशन के बारे में आपको बता दिया कि मान लीजिए कि अगर ये बॉडी डायगनल है, सपोज ये वाला बॉडी डायगनल है, तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहां बनेगा और एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहां बनेगा,
वॉइड की लोकेशन वाली वीडियो जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 90 प्लस इंस्टीट्यूट के नाम से आएगा, सीधे ही आप वॉइड की पोजीशन के लिए डालेंगे तो आपको मिल जाएगा टेट्राडल वॉइड एंड ऑक्टाडल वॉइड की पोजीशन। तो ऐसे आपके बॉडी डायगनल पे दो प्रेजेंट है, तो आपको पता चार बॉडी डायगनल है, ठीक है। तो वन बॉडी डायगनल कंटेन्स टू टेट्राडल वॉइड, देख सकते हैं। तो इस हिसाब से चार बॉडी डायगनल में कितने होंगे भाई, एट टेट्राडल वॉइड्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, देखो। तो भाई आठ में से जिंक ने अल्टरनेट ऑक्यूपाई किए हैं, तो बहुत सिंपल हुआ। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सल्फाइड आयंस, नंबर ऑफ सल्फाइड आयन कितने हैं। तो सल्फाइड आयंस की संख्या कितनी हुई, पर यूनिट सेल कैलकुलेशन करते ध्यान देना। तो नंबर ऑफ सल्फाइड आयंस कितने हुए, सीसीपी में कितने होते हैं, सीधे ही बता सकते हैं या बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सीधे यहां पे मैं लिख दूं, फोर होती है, ठीक है। कॉर्नर्स का अगर याद नहीं है तो फिर से देखो, ऐसे तो निकालते हैं, सेम कैलकुलेशन करनी है। ये कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन, ये फेस सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूशन, इट इज वन प्लस थ्री, सो फोर आपके सल्फाइड आयंस, फोर। इसी तरीके से आप देखें नंबर ऑफ जिंक आयंस कितने हुए आपके पास, जिंक कहां पे है, अल्टरनेट टेट्राडल वॉइड्स। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया टोटल टेट्राडल वॉइड्स कितने हैं भाई, आठ है। तो आठ में से चार ऑक्यूपाई कर रखे हैं, तो मैं यहां लिख सकता हूं सीधे ही फोर, ठीक है, सीधे ही फोर लिख सकता हूं। ये वाली बात आप जरूर ध्यान दें, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, इस तरीके से भी इसे लिखा जा सकता है, हाफ ऑफ, ठीक है, हाफ ऑफ नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो वही बात आ जाएगी आपकी, और फोर ही नंबर। तो इस हिसाब से देखा जाए एक यूनिट सेल के अंदर, एक यूनिट सेल के अंदर आप सोडियम क्लोराइड के फॉर्मूला की अगर बात करें, तो भाई फॉर्मूला तो हमें पता है, ये आपका सल्फाइड आयन, जिंक आयन, या आपके फोर टू फोर, तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला तो हमें पता है, ZNS बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कितने ZNS बनेंगे, तो एक जिंक एक सल्फर चाहता है, तो चार जिंक चार सल्फर चाहेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स आपकी कितनी होंगी, फोर, जिसे मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। सो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ ZNS इज फोर। दोनों में बहुत डिफरेंस है, यहां पे फॉर्मूला पर यूनिट सेल होता है, कि ये फॉर्मूला जो है आपका वो पर यूनिट सेल बनाता है, जो कि ये फॉर्म दिखाता है कि एक जिंक के लिए सिर्फ एक ही सल्फर चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कोऑर्डिनेशन नंबर, वो चीज हमें चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए ऑफ जिंक, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए हमें सल्फाइड का। यही तो मेन क्वेश्चन होता है, ये पूरा पार्ट समझाने का मेन जो आपका मोटिव है वो यही है सिंपल, कि इनके कोऑर्डिनेशन नंबर से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए, जिंक कहां प्रेजेंट है भाई, जिंक वॉइड्स में प्रेजेंट है, ठीक है। जिंक जैसे अगर यहां पे वॉइड बना हुआ, तो जिंक यहां पे होगा, और सल्फाइड ऐसे इसके चारों तरफ इस तरीके से सल्फाइड, अगर ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहा होगा देखो, तो यहां पे जिंक प्रेजेंट होगा ऐसे, है ना। तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ, फोर। अब मैं आपको सीधे ही बता देता हूं कि अगर आप ऑल ओवर देखेंगे इस पूरे स्ट्रक्चर को, और भी इसके पीछे आगे हर तरफ से यूनिट सेल को कवर करके अगर चेक करेंगे, तो जो आपका सल्फाइड है ना, वो भी चार जिंक से घिरा हुआ होगा, एक साइड इधर, एक ऊपर वाला, एक साइड इधर लेफ्ट वाला, एक राइट वाला, और अल्टरनेट है, वैसे तो आठ होनी चाहिए लेकिन अल्टरनेट होता है ना, तो ये चार से ही घिरा होता है, क्योंकि वॉइड में क्या है, अगर चारों तरफ वॉइड है आठ, तो एक में जिंक है दूसरे में नहीं है, इसमें जिंक है तो इसमें नहीं है, ऐसे ऊपर वाले में, ठीक है, दो साइड जिंक होगा, दो साइड खाली होगी जगह। तो इसका मतलब सल्फर जो है वो भी कहीं ना कहीं कितने जिंक से ऑक्यूपाइड, मतलब घिरा हुआ होगा, नियरेस्ट नंबर ऑफ जिंक कितने होंगे, फोर। तो इस हिसाब से जो आपका कैटायन टू एनायन रेशियो है, ये आपके कोऑर्डिनेशन नंबर की, वो क्या होती है, फोर। तो फटाफट चेक कर लें और इस चीज को समझ लें। हाँ बच्चे, तो देखो जिंक सल्फाइड जो हम पढ़ रहे हैं, यानी कि वुड्साइड स्ट्रक्चर में,
तो इस केस में जो सल्फाइड आयन होते हैं, सल्फाइड आयन, वो HCP लैटिस फॉर्म करते हैं, HCP लैटिस बनाते हैं। हालांकि मैंने लैटिस पहले बना दिया ताकि आपका समय बच पाए और मैं फटाफट आपको समझा देता हूं। HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाते हैं, जबकि इस केस में जो जिंक आयन्स होते हैं ये ऑक्यूपाई करते हैं, ऑक्यूपाई अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉल। देखो जो पीछे अभी पढ़ा है हमने इसका स्फेलराइट स्ट्रक्चर यानी कि जिंक ब्लेंड वाला, उसमें भी जिंक ने अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड ही ऑक्यूपाई किए थे, लेकिन डिफरेंस क्या था कि सल्फाइड आयन प्रीवियस केस में स्फेलराइट स्ट्रक्चर में ये आपका CCP लैटिस बनाता है, जबकि यहां वाले केस में यानी वुड्सराइट स्ट्रक्चर में, वुड्सराइट स्ट्रक्चर में क्या होता है सल्फाइड आयन HCP। ये डिफरेंस है, इसको बहुत ज्यादा ध्यान रखना ध्यान से, ठीक। तो HCP लैटिस मैंने इस तरीके से बना दिया और हर जगह जो बड़े गोले आपको नजर आ रहे हैं ये सल्फाइड आयन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो बड़े बड़े गोले हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सल्फाइड आयन को। जबकि अभी जिंक को कैसे दिखाएंगे, तो जिंक को देखो कैसे दिखाएंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड में दिखाना है। तो मान लीजिए कि ये आपके 6 कॉर्नर है ना, इनमें से मैं ये कॉर्नर का एटम ले रहा और ये जो सेंटर वाला इनको मैं जोड़ रहा हूं, ध्यान से देखिए मैं डॉट डॉट लाइन से जोड़ता हूं, ठीक है, ये डॉटेड लाइन से जोड़ दिया और ये इसको इस वाले ये जो आपके नीचे जो मिड लेयर में 3 एटम है उसके किसी एक एटम से जोड़ रहा हूं, ठीक। तो आप देखिए जरा ध्यान से इस चीज को, आपको एक टेट्राहेड्रल वॉइड नजर आएगा, ऊपर ट्रायंगुलर पार्ट और वो बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने पीछे भी देखा था ऐसे, ये ट्रायंगुलर पार्ट ये वाला है और ये वाला जो हिस्सा है वो ये, तो बीच में जो वॉइड क्रिएट होगा वहां पे कौन होगा, जिंक होगा। लेट्स से कि मैं इसको जिंक को इसके बीच में यहाँ पे कहीं मिड में दिखाऊंगा, इस जगह पे यहाँ बीच में इसकी जगह होगी, सपोज इस जगह पे दिखा देता हूँ, ये नीचे की तरफ यहाँ पे ये आपका वॉइड है, ये अंदर मतलब ये बाहर वाला आइटम है, ये जिंक का है, कोशिश कीजिए समझने की, ठीक। तो अब इस हिसाब से देखा जाए तो जिंक और सल्फाइड है कितने, तो नंबर ऑफ सल्फाइड आयन जैसा कि आपको पता है कि HCP लैटिस में जो पार्टिकल अरेंजमेंट में नंबर ऑफ एटम होते हैं वो 6 होते हैं। तो फटाफट देखिए कैसे नंबर निकालते हैं, फटाफट देखो नंबर ऑफ सल्फाइड आयन किस तरीके से निकालते हैं, 1/2 फेस सेंटर, ये वाला और ये वाला फेस सेंटर हाफ हाफ कंट्रीब्यूशन होता है, इसके ऊपर जो होगा उसमें हाफ होगा, इसके नीचे वाले में यानी कि इसका जो हिस्सा होगा वो हाफ, तो 2 एटम्स, ये कौन सा कंट्रीब्यूशन हुआ, फेस कंट्रीब्यूशन, फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन। अब ऐसे ही आप देखो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन, आपको याद होगा कि यहां पे जो यूनिट सेल होती है वो 6 दूसरी यूनिट सेल से, ऐसी सिलेंड्रिकल जो है 6, 3 नीचे और 3 ऊपर से, यानी हर एक कॉर्नर 1/6 से क्या होता है शेयर्ड होता है। तो कहने का मतलब हुआ कि 6 से शेयर्ड होता है तो 1/6 हिस्सा हुआ तो ये टोटल 12 हो जाते हैं, ये आपका कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन है। प्लस अब ये 3 बॉडी सेंटर पे हैं, सो 3 × 1, ठीक है, ये आपका बॉडी सेंटर वाला। तो जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका 6 आएगा, यानी कि 6 पर यूनिट सेल, सल्फाइड आयन्स की संख्या 6 पर यूनिट सेल आ गई। ऐसे ही आप जिंक आयन्स निकालेंगे तो इसके लिए आप सीधा फॉर्मूला यूज कर लो, जिंक आयन्स जो होंगे वो क्या है, अल्टरनेट हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। आपको शायद एक चीज याद होगी कि अगर किसी पर्टिकुलर इफ द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, या स्फीयर अगर वो x है तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं उसका, डबल होते हैं, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड उसके कितने होते हैं पर यूनिट सेल, x। तो हमें टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या चाहिए, तो नंबर ऑफ सल्फाइड आयन जो अरेंजमेंट क्रिएट कर रहे हैं कितने, 6, तो टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी होगी, टेट्राहेड्रल वॉइड इस हिसाब से होंगे 12। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आएगा 6। तो देखो सल्फाइड आयन भी 6 है और जिंक आयन भी 6 है, तो मैं यहां पे इस चीज को लिख सकता हूं, 6 यानी कि जिंक और सल्फाइड 6 × 6, मतलब अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं पर यूनिट जो सेल सिंपलेस्ट रेशो क्या आएगी, सिंपलेस्ट रेशो होगी 1:1, ठीक, सिंपलेस्ट रेशो इज 1:1। तो मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा,
ये बनेगा। लेकिन कितने फॉर्मूले बनेंगे, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट कितनी बनेगी भाई? तो आप समझ रहे हैं सर, अगर सिक्स ये है और सिक्स ये है तो वन को वन चाहिए होता तो सिक्स को सिक्स चाहिए होंगे। तो कहने का मतलब हुआ ये देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा जरा चेक करो, स्ट्रक्चर से देख सकते हैं आप। कोऑर्डिनेशन नंबर आपका होगा, ये मैं हटा देता हूं, कैटायन टू एनायन कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जिंक का देखिए, तो जिंक के चारों तरफ ये तो बहुत ही सीधा नजर आ रहा है, फोर वन टू थ्री फोर, फोर सल्फाइड आयन से घिरा होगा ना, जिंक तो वॉइड में प्रेजेंट है। इन सिमिलर वे जब इसको थ्री डायमेंशनली देखा जाता है तो सल्फाइड भी चार जिंक से ही क्या होता है, नियरेस्ट घिरा हुआ होता है कह सकते हैं। इसके चारों तरफ नियरेस्ट नंबर ऑफ जिंक आयन सल्फाइड के कितने, तो फोर। तो सीधे याद रखा जा सकता है क्या कि फोर इज टू फोर क्या है, कैटायन टू एनायन कोऑर्डिनेशन नंबर। चेक करें और इसे खत्म कर दें। हाँ बेटा, तो लास्ट देखिए फटाफट, ए बी टू टाइप, ए बी टू टाइप जिसे हम बोलते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर, और जबकि इसका अपोजिट होता है ए टू बी जिसे बोलते हैं एंटी फ्लोराइड। ए बी टू टाइप का एग्जांपल CF2 और ए टू बी का हम एग्जांपल ले रहे हैं Na2O, जो मोस्टली देखने को मिलता है वही एग्जांपल लिए। अब चेक करें एक बार, कैल्शियम फ्लोराइड यानी कि ए बी टू टाइप में क्या होता है, जो आपका कैटायन होता है वो लैटिस फॉर्म करता है, ध्यान दीजिएगा, बस यहाँ पे अलग है, बाकी हर एक केस में यानी कि जितने भी हम एग्जांपल देख रहे हैं, तो इवन आप एंटी फ्लोराइड में भी देख सकते हैं एनायन ही क्या बना रहा है, लैटिस। तो आपको एक याद रखना होगा, फ्लोराइड वाले में कैटायन क्या करता है, लैटिस फॉर्म करता है। कौन सा लैटिस बन रहा है यहाँ पे CF2 वाले में, CCP क्यूबिक क्लोज जिसे हम लोग बोल सकते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। और ये चेक करें कि फ्लोराइड आयन कहाँ होते हैं, ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड। तो फटाफट चेक कर लेते हैं नंबर ऑफ कैल्शियम आयन्स कितने हुए पर यूनिट सेल, चेक करें फटाफट। अब तो आपको याद हो गया होगा, ये सीधे ही 4 लिख सकते हैं, ठीक है, सीसीपी में 4 होता है। अब नंबर ऑफ फ्लोराइड आयन्स क्या होंगे, तो फ्लोराइड आयन्स जो है वो आपके नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे डिपेंडेंट है, जितने वॉइड्स बनेंगे उतने ही फ्लोराइड आयन भी होंगे। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स इसका दुगना होता है, अभी फॉर्मूला आपने देखा ना, जितने नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल अरेंजमेंट करते हैं उसका डबल आपके टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। तो नंबर ऑफ फ्लोराइड आयन्स कितने हैं, 8, और कैल्शियम आयन्स कितने हैं, 4। तो इस हिसाब से देखा जाए तो, और कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करें, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम, ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम आयन के चारों तरफ कितने फ्लोराइड होंगे, 8। कैल्शियम के चारों तरफ कितने होंगे, 8 फ्लोराइड, तो 8 हो गया इसका। और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फ्लोराइड अगर आप देखें तो फ्लोराइड के चारों तरफ कितने कैल्शियम होंगे, 4। तो जब भी आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाए कैटायन टू एनायन, इस केस में आप क्या आंसर देंगे भाई, इट इज 8:4। बस ये नंबर ध्यान रखना, अगर यहाँ पे अल्टरनेट होता तो 4 होता, तो इसका मतलब 4:4 जैसे प्रीवियस केसेस में हमने देखा, ठीक। अच्छा, एक और लास्ट में बात करते हैं कि नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स कितनी है, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ CaF2 कितनी होंगी। तो देखिए एक बार, कैल्शियम 4 है और फ्लोराइड 8 है, लेकिन CaF2 बनाने के लिए एक कैल्शियम को 2 फ्लोरीन चाहिए, मतलब इसके 4 को उसका 8 चाहिए, तो पूरा का पूरा अवेलेबल है, ठीक है। देखिए इसके 4 को इसका 8 चाहिए, तो ऑफ कोर्स 4 फॉर्मूला यूनिट्स मिलेंगी, 4 फॉर्मूला यूनिट्स हमें देखने को मिलेंगे। ऐसे ही अगर हम उसको सीखें तो देखो फटाफट, नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन्स कितने होंगे, 4। इन सिमिलर वे नंबर ऑफ सोडियम आयन्स वो भी टेट्राहेड्रल के बराबर होंगे, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बराबर होंगे, तो विच इज 8, ठीक। अब कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर बात करें ऑक्साइड आयन्स के लिए, तो ऑक्साइड आयन्स के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर किसके बराबर होगा, जितने आपके सोडियम आयन होंगे, ठीक है, नियरेस्ट सोडियम आयन, और वो कितने हैं, 8। वही चीज है जो यहां बताई थी अभी। और कोऑर्डिनेशन नंबर आप अगर निकालते हैं सोडियम का, तो नियरेस्ट ऑक्साइड आयन देखिए कितने, 4 हैं। तो यहां पे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशो, अगर आप कैटायन टू एनायन निकालते हैं, है ना, कैटायन टू एनायन कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आप निकालते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 4:8, जो कि इसका अलग होगा। यहाँ पे अगर
कैटायन टू एनायन देखिए तो 8:4 है और यहाँ पे देख रहे हैं तो उल्टा हो रहा है। तो फॉर्मूले को जरा ध्यान से दीजिए और नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स अगर आप ध्यान दें तो फॉर्मूला यूनिट्स इसमें भी वही होगा क्योंकि एक ऑक्साइड को दो सोडियम चाहिए तो चार ऑक्साइड को कितना चाहिए 8 है ना, तो चार ऑक्साइड है तो 8 ही है तो इसका मतलब 4Na2O की फॉर्मूला यूनिट्स बनेंगी। तो देख लीजिए एक बार, पूरे वीडियो को ध्यान से रिवाइंड कर लें और हर एक केस जो भी आपने सीखा है, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं तो प्लीज एक बार अच्छे से चेक करें और पढ़ते रहें।